हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खुश होंगे। दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाली हूँ कब और किस दिन नाखून काटना चाहिए। किस दिन नाखून काटने से आपको सुख शांति सौभाग्य की प्राप्ति होती है और किस दिन नाखून काटने से आपको दुख दारिद्रता और बीमार भोगना पड़ता है। दोस्तों, हमेशा दिन में ही नाखून काटें, क्योंकि रात में नाखून काटने से माता लक्ष्मी क्रोधित होते हैं, इसलिए रात को नाखून ना काटें। दोस्तों, सोमवार के दिन नाखून काटना इतना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि सोमवार के दिन नाखून काटने से आपकी आयु बढ़ती है, लेकिन सोमवार के दिन नाखून काटने से आपको मानसिक अशांति भोगना पड़ता है। मंगलवार के दिन नाखून हरगिज ना काटें, क्योंकि इस दिन नाखून काटने से आपकी आयु क्षय होता है, इसके साथ ही आपको बीमार भोगना पड़ता है। बुधवार के दिन नाखून काटना शुभ माना जाता है, इस दिन नाखून काटने से आपकी आयु बढ़ती है, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन नाखून मत काटें, क्योंकि गुरुवार के दिन नाखून काटने से आपकी मान सम्मान में कमी आता है, इसलिए इस दिन नाखून मत काटें। शुक्रवार के दिन नाखून काटना अत्यंत शुभ माना जाता है, इस दिन नाखून काटने से आपको सुख शांति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धनागमन होती है। और शनिवार के दिन नाखून मत काटें, क्योंकि इस दिन नाखून काटने से आपको दुख और कष्ट भोगना पड़ता है। और रविवार का दिन भी नाखून मत काटें, इस दिन नाखून काटने से भी आपको दुख भोगना पड़ता है, आपकी आयु क्षय होता है। और इसके अलावा आपके जन्म तिथि के दिन भी नाखून मत काटें, अर्थात आप जिस दिन जन्मे उस दिन नाखून मत काटें। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और एकादशी के दिन भी नाखून मत काटें, यह अशुभ माना जाता है। इसके अलावा दशमी और षष्ठी तिथि के दिन नाखून काट सकते हैं, ये शुभ होता है। दशमी तिथि के दिन नाखून काटने से धन में वृद्धि होती है और षष्ठी तिथि बच्चों के नाखून काटने के लिए शुभ माना जाता है। उम्मीद है आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए।